हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मसाला फ्राई भिंडी। इसे बनाना काफ़ी आसान है और ये खाने में बहुत ही यमी है। ये बहुत ही कम तेल मसाले में आज मैं बना के दिखाऊंगी। और इस तरीके से बनाओगे तो आपके बच्चे यदि 2 रोटी खाते हैं तो 4 रोटी ज़रूर खाएंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे भिंडी। भिंडी को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और इस तरीके से 4 भागों में कट कर लेंगे। जब कट कर लेंगे तो कढ़ाई में लेंगे सरसों का तेल और सारे कटे हुए भिंडी को डाल देंगे। इसके बाद इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट तक, जब तक इसमें सुनहरे कलर ना आ जाए। जब सुनहरे कलर इस तरीके से आ जाए, देखिए कितना सॉफ्ट हो गया भिंडी, कितना कम हो गया, जितना था उससे आधा हो गया। और एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसके बाद 1 चम्मच तेल और लेंगे, इसमें डालेंगे चॉप प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। इसके बाद हम इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे थोड़ा सा सुनहरे होने तक। इसके बाद इसमें डालेंगे बेसिक सूखे मसाले, वो भी बहुत कम, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला और स्वादानुसार नमक। हमने इसमें तीखी लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च का यूज नहीं करा क्योंकि इसमें हमें कलर की कोई ज़रूरत है नहीं और तीखापन के लिए हमने हरी मिर्च डाल दिया है। इसके बाद हमें इससे ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसमें अच्छे से कोट करना है। खुले में हम इसे चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे इस तरीके से। और हम जब 2 से 3 मिनट भिंडी इस तरीके से पक जाए तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और गर्मा गर्म इसे दाल चावल या फिर पूड़ी पराठे पे सर्व करेंगे। यकीन मानिए इस रेसिपी को आप एक बार अपने घर में ज़रूर बनाइए, आपके बच्चे बहुत ही चाव से खाएंगे। क्योंकि बच्चे अक्सर दाल चावल खा लेते हैं, सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते हैं, लेकिन आजकल सब्ज़ी वगैरह खाना ज़रूरी है। कई तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं और इम्यूनिटी के लिए ये भिंडी सीजनली जो सब्ज़ी होती है बहुत ही हेल्पफुल होता है बच्चे को ताकतवर बनाने में। तो इस रेसिपी को एक बार जरूर बनाइए, बच्चे जरूर खाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर कर दें और मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल नए वीडियो में। बाय।